क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन है डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आई समथिंग ये क्या है इन वेरिएबल x, ये हो गया वेरिएबल y। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, ये अंदर आया तो क्या हो जाएगा माइनस 5y, और ये अंदर आ गया तो ना प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है ना। अब अपन को डिसाइड क्वेश्चन का डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है ये बताना है विद प्रॉपर रीजन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन y is only the variable with highest index two. Therefore, the given equation is a quadratic equation. Ready. प्रॉपर रीजन क्या है, इन दिस इक्वेशन y इज ओनली वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल y विथ हाईएस्ट इंडेक्स, और वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2 है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है ये बताना है हमको। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा हमको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से वेरिएबल y है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है वेरिएबल x को सिर्फ कर एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। अब सबसे पहले ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखो इसको लीनियर फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में क्या है 1/y है, फ्रैक्शन में क्या है y है, तो ये y हटाना है। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय y, फ्रैक्शन में क्या y है, y हटाना है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दी। पहले इक्वेशन लिखा मैंने y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे y से, y y ये क्या हो गया y स्क्वायर इंटू y y क्यूब प्लस ये हो गया 1 और ये हो गया 2y। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज y क्यूब, ये अंदर आया क्या हो गया माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं ये बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है, एक ही वेरिएबल होगा राइट, एक ही वेरिएबल है y है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये वेरिएबल जो है इधर क्या हुआ है, एक ही वेरिएबल है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना, तो इधर इसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 3 है। तो अपन लिखेंगे इसमें इन दिस इक्वेशन y इज ओनली वेरिएबल with highest index 3 not 2, क्या होना 2 होना था। तो therefore given equation is not a quadratic equation, क्यों, क्योंकि highest index क्या है इसका 3 है, क्या होना अपन को 2 होना था, तब वो क्या रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। पॉज, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 2, अपन को शो करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है विद प्रॉपर रीजन। तो सबसे पहले अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या है x है, अपन को x हटाना है, तो अपन क्या करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन है ना, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय एक्स। पहले इक्वेशन वैसे कर, इक्वेशन वैसे की वैसे लिखा मैंने, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स, एक्स हो गया मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई किया एक्स से, ये क्या हो गया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस कैंसल हो गया, कितना बचा वन बचा, इसी को क्या हो गया माइनस टू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर फिर ये अंदर है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स, और ये प्लस वन ऑलरेडी अंदर है, इसी को इधर कुछ नहीं बचा तो क्या है जीरो, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है बताना है, तो देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल x विद हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2 है ना, तो ये क्या होगी अपन रीजन क्या लिखेंगे, द इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल दैट इज x विद हाईएस्ट इंडेक्स 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन दिए m प्लस टू एम माइनस फाइव, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है अपन को शुरू करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसमें m से किसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, m माइनस फाइव फिर साइन क्या है प्लस है, दूसरा वेरिएबल क्या है टू है, टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एम माइनस, देखो यहां पे क्या करना है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है प्लस प्लस साइन है, फिर सेकेंड टर्म लिख रहे हैं उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू जीरो, अब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, ये एम इंटू एम क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस क्या हो गया ये फाइव एम प्लस, ये हो गया टू एम प्लस इंटू माइनस माइनस फाइव टू टेन, अब ये हो गया एम स्क्वायर, ये क्योंकि सेम वेरिएबल है तो क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, पांच में से दो गया कितना हो जाएगा थ्री एम माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे अपने को क्या बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है, तो अपन लिखेंगे इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन m इज ओनली वेरिएबल, m इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स टू, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इधर हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद सिंपल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो आंसर आया m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में क्या है एक ही वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2 है, तो ऑल द टू कंडीशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2 है, तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।